मैं तो कहूंगा आज के इस हिस्टोरिक ओकेजन, भले ही गैदरिंग हमारा कम जरूर है, मगर ये कम गैदरिंग का जितने भी आपने यहाँ पे आप सभी लोग आए हैं, आप लोग काफी शक्तिशाली लोग हैं। आप लोग एक एक आदमी 100 लोगों को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हमारे दादाब के ऑनरेबल एमपी, हमारे अच्छे मित्र श्री जमयांग सिरिंग नामग्याल, शॉर्ट में उसको जेटीएन से ही जाना जाता है लद्दाख में। तो जेटीएन साहब फर्स्ट टाइम अरुणाचल प्रदेश का इस भूमि में कदम रखा और इसे आपके हिस्टोरिक ओकेजन में आपने आके यहाँ पे विजिट किया। आपको पूरे अरुणाचल के वासियों को और से आपको स्वागत है। और हमारे होम मिनिस्टर श्री बमांग फेलिक्स जी, जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे कैंपेन कमेटी का चेयरमैन भी है, और साथ में उपस्थित हमारे ऑनरेबल एमएलए अपने कलिन कॉन्स्टिट्यूंसी का श्री बालू राजा जी, इस बार बीजेपी का भी उम्मीदवार है कलिन कॉन्स्टिट्यूंसी का, और अनकंटेस्टेड एमएलए इस बार हमारा भाई जीके ताकुर जी, जो कलिन कॉन्स्टिट्यूंसी से अनकंटेस्ट होके हमारे साथ इलेक्ट होके आए हैं। हमारा पार्टी का स्टेट की तरफ से अपना तार तरफ जी, जो इंचार्ज प्रेसिडेंट भी हैं अभी स्टेट का, और आज के हमारे चीफ होस्ट और फॉर्मर मिनिस्टर अपना श्री तकम पारियो जी, और अपने बेबंग जगत जी, फॉर्मर डीसीसीआई प्रेसिडेंट करानाले डिस्ट्रिक्ट, और उनके साथ जितने भी जो सीनियर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आज जो ऑफिशियली बीजेपी में आप लोग पूरा जो ज्वाइन हुए हैं, और जितने भी हमारा इस अपना कालाजादी डिस्ट्रिक्ट के बोलो या पालिन कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारा युवा नेता, ज्यादातर मैं पूरा यंग लोग का ही फेस देख रहा हूँ, देख के बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा है। वैसे पालिन कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी कार्यकर्ता, तो ये जो ओकेजन जो है, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक ओकेजन मैं मानता हूं, इसलिए हमने हिस्टोरिक इसको शब्द इस्तेमाल किया। हिस्टोरिक इसलिए है कि अपना कलिन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आने वाले दिनों में डेवलपमेंट के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए ये आज एक हिस्टोरिक ओकेजन है, और पर्सनली हमारे लिए हिस्टोरिक इसलिए है क्योंकि हमारा दोस्त जो बीच में थोड़ा सा हम दोनों का डायरेक्शन, पॉलिटिकल डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया था, लेफ्ट राइट हो गया था, आज जो है पूरा एकदम मुलाकात हो गया है, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हिस्टोरिक ओकेजन है। तकम पारियो जी और हमारे बारे में आप सब लोग जानते हैं, तकम पारियो जी भी पहले मिनिस्टर रह चुके हैं, हम भी पहले मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस में, तो पॉलिटिक्स में तो मैं तो बहुत लेट तो आया, मैं 2011 को आया एक्टिव पॉलिटिक्स में, 2011 को मैं एमएलए बना, मिनिस्टर भी बना। मिनिस्टर बनने के बाद मैंने देखा कांग्रेस में जिस प्रकार से जो काम होता है कांग्रेस में, खास करके दिल्ली में बैठा हुआ जो कांग्रेस का नेता, उन लोगों ने पूरा सिस्टम को करप्ट बना के रखा, अपने स्टेट में नोटिस, पूरा नोटिस लिए, तब जाके मैंने कांग्रेस का अगेंस्ट में मैंने रिवोल्ट किया, और मैंने रिजिग्नेशन भी दिया, लेकिन नहीं रिजाइन भी किया, कांग्रेस का अंदर में बैठ के हमने रिवोल्ट किया, रिजाइन किया, हम लोग कहा कि अरुणाचल कांग्रेस से संभाला नहीं जाएगा, हम लोगों को दूसरा रास्ता चुनना होगा। तो उस दूसरा रास्ता का जब हम लोग चुन रहा था, जब हम लोग संघर्ष कर रहा था, उसमें तकम पारियो जी भी साथ में हमारे साथ आए, हमारा पूरा सहयोग किया, इन्होंने सहयोग करके कांग्रेस को हटा के यहाँ पे एक रीजनल पार्टी लेके आने में इनका पूरा सहयोग रहा है। तो उस वक्त में आप सब लोग जानते हैं कि उस वक्त में लीडर था अपना स्वर्गीय जो चीफ मिनिस्टर, जो अभी हमारे बीच नहीं है, कलीकुपुल जी। तो कलीकुपुल जी लीडर था उस वक्त में, मुख्यमंत्री उनको बनना था, उस वक्त में पूरा पोलराइजेशन हो गया था, पूरा ग्रुप बन के बैठ गया था एमएलए को बराबर होके। तो उस वक्त में क्योंकि तकम पारियो जी हमारा पुराना साथी है, तो हम लोग डिस्कस करके
तो उस वक्त में लेक गली फुटबॉल ने, आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने कमिटमेंट करवाया हमसे कि इनको मिनिस्टर का पद देंगे, जो पुराना मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो है वो भी रिटेन करके देंगे, तो इनका साथ हम लोगों का जरूरी है। तो मैंने बात करके तखम पालियो जी का पूरा ग्रुप जो वापस फिर हम लोग ने लेके आया, तब तो जाके लेक कलिकुपुल का यहाँ पे गवर्नमेंट बना। गवर्नमेंट बनने के बाद जो मिनिस्ट्री का जो लिस्ट जो निकला, तो मेरा तो नाम नंबर वन में था, तो मैं लिस्ट देखा तो तखम पालियो का लिस्ट नाम मिसिंग था। तो मैंने कहा कि पालियो साहब का आपने जो कमिटमेंट किया था वो नहीं है, तो कुछ कारण से शायद स्वर्गीय कालीकुपुल जी ने कहा कि कुछ कारणवश एडजस्ट हो नहीं पा रहा है, तो इसको एडजस्ट अभी कर नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा कि आपका कमिटमेंट है, मेरा कमिटमेंट तो नहीं है, मगर आपका कमिटमेंट को हमारा जरिए से कन्वे किया गया, एक बार नहीं चार चार बार कन्वे करवाया, तो वो तो मेरा कमिटमेंट जैसे ही हो गया। आप कमिटमेंट आपका है मगर हमारा थ्रू से कमिटमेंट किया गया। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि तब तो कोई बात नहीं, हमारा भी नाम को रहने दीजिए, हमको भी शपथ ग्रहण में इंक्लूड मत कीजिए, अगर इनको नहीं मिलता है तो फिर ये भी एक कमिटमेंट हो गया, उस कमिटमेंट को कन्वे करने वाला मैं था उसमें, तो कोई बात नहीं, आप बाकी मिनिस्ट्री को आप आगे बढ़ाइए, हम हमारा नाम भी वहां से निकाल दीजिए। तो मैंने भी अपना नाम को निकाल के उनका मिनिस्ट्री में मैं भी मिनिस्ट्री पद नहीं लिया, ये आप लोग भी जानते हैं, है कि नहीं। तो एनीवे बाद में फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, छह महीना बाद बेचारा उनका भी मतलब संभाला नहीं गया, उनका किस्मत ही ऐसे था। तो बाद में जाके सब लोग मिलके हमको ही मुख्यमंत्री बनना पड़ गया, है कि नहीं। तो एनीवे इसका बात तो फिर अभी इसके जिस प्रकार से बाद में हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आ जाने के बाद में, तो उस वक्त में पालियो साहब अपना एक तो आइडियोलॉजी को देखते हुए वो दूसरा पार्टी में रह गया। तो दूसरा पार्टी में रहने के बाद फिर अरुणाचल को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद 2016 में आने के बाद, इसके बाद अरुणाचल का जो रैपिड ग्रोथ जो हुआ है आप सब लोग विटनेस ले चुका है। आज देखिए नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल, इसमें कुछ छुपाने वाला बात तो है नहीं, सभी लोग कांग्रेस में था, सभी के सभी पूरे अरुणाचल के जितने भी लीडर्स है, पूरे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी लीडर्स है, क्योंकि कांग्रेस का सरकार यूपीए का सरकार करीबन 60 इयर्स उन्होंने इस देश को चलाया, 60 इयर्स। उस 60 इयर्स में जैसे मैंने पहले कहा नॉर्थ ईस्ट को तो बहुत ही नेग्लेक्ट करके रखा, अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट है, बहुत डिफिकल्ट स्टेट है, हमारा लीडर्स को करप्ट बनाया, दिल्ली में जो बैठने वाला कांग्रेस का सीनियर लीडर्स लोग ने, उन लोग ने ऐसे एक प्लान बनाया कि नॉर्थ ईस्ट का लीडर्स को करप्ट होना ही है, ऑफिसर्स को करप्ट होना ही पड़ेगा, जनता को करप्ट होना ही पड़ेगा, तब जाके स्कीम्स दिल्ली से वो लोग बेचते हैं, स्कीम्स बेचते हैं वहां से फिर पैसा वापस उठा के लेके जाते हैं वो लोग। तो ऐसे एक तो करप्शन का सिस्टम को डिजाइन किया कि विदाउट करप्शन कुछ भी काम यहाँ पे स्कीम भी नहीं आएगा। तो लेकिन उस करप्शन को अभी रोका है तो बीजेपी सरकार आने के बाद, देश में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद, मैं ये बात जो हर एक जगह में बोलता हूं, पीएम नरेंद्र मोदी साहब 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले वो गुजरात का मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये आप सब लोग जानते हैं, करीबन लगभग 12 वर्ष 12 इयर्स वो गुजरात का सीएम रह चुके हैं। उससे पहले बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता, सिंपल कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट का टूर कर चुके हैं, और वो भी अपना एक चप्पल झोला पहन झोला पकड़कर स्टेट ट्रांसपोर्ट के बसेस में, जितने भी नॉर्थ ईस्ट का जो 8 स्टेट है वो पूरा वो घूम चुका है। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी साहब को नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम और नॉर्थ ईस्ट का अपॉर्चुनिटीज दोनों के बारे में पीएम साहब को पता है। 2014 में गुजरात का मुख्यमंत्री को छोड़ के जब उनको प्रधानमंत्री बनाया गया तो उन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट के लिए कि ये नॉर्थ ईस्ट अपना देश तभी डेवलप होगा जब नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा, उनका पहला स्टेटमेंट नॉर्थ ईस्ट के लिए। और देखिए इसके बाद उन्होंने अपना कैबिनेट मिनिस्टर्स क्लियरली कहा हर एक 15 दिन के अंतर्गत में कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में जाके टूर करना है, अपने डिपार्टमेंट
का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उस राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में सोल्व करके फिर वापस दिल्ली आना है। और अभी तो जैसे आपने जेटीएन एमपी साहब ने जो कहा कि हमारा वाइब्रेंट विलेज जो अरुणाचल काफी लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं टिबेट चाइना के साथ में, तो उसमें अभी तो यूनियन मिनिस्टर्स लोगों को ईटानगर या नामसाई या पासीघाट बैठने का अलाउड नहीं है। यूनियन मिनिस्टर्स जो आते हैं तो पूरा वाइब्रेंट विलेज गाँव में, दूर दराज गाँव में जाके बिताना है। आप सबको पता है सीएम ताजो में स्मृति ईरानी मैडम सीएम ताजो में जाके बैठा, आप लोगों का अपना कोलोरियम में अपना हमारा मीनाक्षी लेखी मिनिस्टर महिला मंत्री है। तो इस प्रकार से अभी दूर दराज रिमोट गांव में यूनियन मिनिस्टर्स लोगों का जाना है और उस गांव में ही बैठना है उन लोगों को। तो ऐसा मोदी साहब ने अभी छवि जो है वो चेंज कराया है। अभी देखिए अभी नॉर्थ ईस्ट में कितना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें देखिए अरुणाचल में देखो, ट्रांस अरुणाचल हाईवे तवांग से लेके लोंगडिंग तक करीबन 1800 किलोमीटर का ये रोड है। भारतीय जनता पार्टी आने का बाद इस रोड को कंप्लीट किया कि नहीं किया? किया ना। और आप लोगों का जो लाइफ लाइन जो है पुटिन टू पंगिन रोड यहाँ से करीबन 400 किलोमीटर, इसके बाद जेके रोड जो अभी थोड़ा देर पहले अपना होम मिनिस्टर फिलिप साहब ने जो मेंशन किया, जोराम कोलोरियम रोड, उसमें देखिए पूरा डेट प्रोजेक्ट होके बैठा था जेके रोड और पुटिन टू पंगिन रोड। बीजेपी सरकार आने का बाद हम लोग ने कमिटीज बनाया, इसको फिर दोबारा फिर मिनिस्ट्री में जाके हम लोग ने भाग उठाया, भगवान फिरीज जी को कमिटी का चेयरमैन बनाया। थोड़े देर पहले इन्होंने बोला मैं डेली का डेली इसका रिव्यू अपने लेवल में हम लेता था, तब जाके भगवान फिरीज के अंदर में फिर सब कमिटी बना, उस एरिया का जितना भी जो विधायक है सब लोग उसका मेंबर है, डेप्यूटी कमिश्नर हाईवे का, जितने भी NHIDCL का बोलो या अपना हाईवे का जो हाईवे पीडब्ल्यूडी हाईवे डिवीजन का बोलो, सब लोग मिलके सैकड़ों बार मीटिंग होने का था, तो जाके पुटिन पांगिन जेके रोड का हाईवे कंप्लीट हुआ है। कम मेहनत नहीं किया हम लोग। सो देखिए बीजेपी सरकार में परफॉर्मेंस ही देखता है। कांग्रेस में क्योंकि आप लोग अभी कांग्रेस से निकाल के बीजेपी में आया है, कांग्रेस में किस प्रकार से काम होता है ये हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ साल कांग्रेस में रह चुका हूं, मैं जानता हूं। परेशान होके तो मैंने रिजाइन किया कांग्रेस से। अभी बीजेपी में आने के बाद मैं देखा जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस पार्टी तो मनी मीटिंग स्टेट बनाकर रख दिया अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट को, कुछ भी फ्यूचर नहीं है। बॉर्डर एरिया जो आज इतना डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मैंने मेंशन किया, अभी आज आप लोग देख सकते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो कुरुकुर में डिस्ट्रिक्ट हो या करादादी डिस्ट्रिक्ट, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में कितना रोड प्रोजेक्ट सेंक्शन कर दिया है। अभी आने वाला दिनों में और भी रोड प्रोजेक्ट सेंक्शन करेंगे। फ्रंटियर हाईवे 2500 किलोमीटर का ये ऑलरेडी पूरा सेंक्शन है, टेंडर प्रोसेस अभी चल रहा है। तो इस प्रकार का बीजेपी सरकार जो है प्रैक्टिकली काम करने वाला एक सरकार है। बीजेपी में माननीय प्रधानमंत्री उसका अंतर्गत में बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का कॉन्फ्रेंस होता है दो महीना में एक बार। पीएम साहब खुद रिव्यू मीटिंग देता है और उस मीटिंग में कोई भी ऑफिसर्स अलाउड नहीं है भाई। हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खुद ही लेके जाना है पेन ड्राइव में, और वहां में पेन ड्राइव को डाल के मैं खुद ही बड़ा स्क्रीन में उसको एक्सप्लेन करना है पीएम साहब को। सेक्टर्स पहले से ही आइडेंटिफाई होके दे देते हैं हम लोगों को कि दो महीना बाद इस सेक्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। उसमें बीजेपी का पूरा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम लोग बैठा रहता है। तो इस प्रकार से वहां पे हाईएस्ट लेवल में उसका मीटिंग होता है दो महीना में। जो ऑब्जर्वेशन आता है उसको फिर फर्दर में अपना स्टेट में आके कंसर्न मिनिस्टर्स का डिपार्टमेंट जो लोग होल्ड करता है मिनिस्टर्स को देता हूं कि ये इशू में हमको फिर काम करके दिखाना है। मिनिस्टर्स लोग फर्दर फिर अपना स्टेट में ऑफिसर्स के साथ में बैठ कर, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर के साथ में बैठ कर उस चीज को ठीक करते हैं, तो फिर रिपोर्ट भेजते हैं, फिर दोबारा उस मीटिंग को हम लेके अपना फिर क्या करेक्शन हुआ, क्या अचीवमेंट हुआ उसको जाके बोलते हैं। परफॉर्मेंस लेवल केवल बीजेपी में परफॉर्मेंस ही है, इसलिए फिलिप साहब ने ठीक ही बोला है, बीजेपी में नया पुराना कुछ नहीं होता है भाई, नया पुराना कुछ नहीं होता है। इसलिए मेरा साथियों आप लोगों का भी मन में बिल्कुल ऐसे डाउट तक नहीं होना है कि हम लोग तो अभी अभी बीजेपी ज्वाइन किया,
बीजेपी वाला हम लोगों को कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ऐसे बिल्कुल मन से निकाल देना है। नया पुराना कुछ नहीं होता है। बीजेपी में आज आप पूरा अपना एन ब्लॉक पूरा आप लोग ने मर्ज करके कराधानी डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस मुक्त आप लोग ने कराधानी डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट कर दिया है। मन में बिल्कुल भी कोट नहीं होना है। कराधानी डिस्ट्रिक्ट में अभी बालू लजा साहब हो गया, जीके टको साहब हो गया, वहां के जो विधायक है, आप लोग मन में ये बिल्कुल नहीं होना है कि ये दोनों तो पुराना बीजेपी है, हम लोग नया बीजेपी है। इसको मन से निकाल देना है। आप लोग आ गया बस कार्यकर्ता है बराबर। यहाँ पे कांग्रेस में हायरार्की होता है, वो लोग तो ब्रिटिश जमाने का जो आदत है कांग्रेस उसको अभी तक भी रखा हुआ है हायरार्की सिस्टम। बीजेपी में कोई हायरार्की नहीं है भाई, मुख्यमंत्री हो या साधारण कार्यकर्ता, पार्टी में पूरा बराबर। जो पार्टी मीटिंग भी होता है, खाना पीना भी बराबर होता है, मुख्यमंत्री को भी थाल पकड़ के लाइन लगा के जाना पड़ता है। इस तरह का पार्टी है बीजेपी पार्टी। नो ईगो इश्यूज। जिसका ईगो है बीजेपी है उसका जगह नहीं है। बीजेपी है तो बहुत ही डाउन टू अर्थ पार्टी है, पूरा बहुत सिंपल पार्टी है। इस पार्टी को अपनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका सिंसियरिटी होने से हो गया, सिर्फ आपका हार्डवर्क होने से हो जाता है। इसमें तो आने वाला दिनों में अभी देखिए पूरे अरुणाचल प्रदेश में इस बार का जो चुनाव का जो माहौल है 2024 का, 10 तो पूरा अनकॉन्टेस्ट हो गया है। और खास करके इस बार मैंने पर्सनली मैंने इन्वॉल्वमेंट किया 2019 इलेक्शन में। अगर मैं चाहता तो मैं पर्सनली इन्वॉल्व होके इस प्रकार का सिचुएशन में बना सकता था, लेकिन मैं सोचा कि चलो डेमोक्रेसी है, अभी पर्सनल लेवल में मतलब उतना क्यों अपना आपको इन्वॉल्व कराना है। मैं सोचा कि चलो डेमोक्रेसी है, लोग अपने अपने हिसाब से डिसाइड करने दे दो। लेकिन बाद में देखा सरकार बनने के बाद जो ट्राइबल पॉलिटिक्स में जो सीरियसनेस पॉलिटिक्स को लेकर जो सीरियसनेस होता है उसको देख के इस बार तो मैंने तय कर लिया था पहले से ही कि इस बार 2024 में तो मैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं कोशिश करूंगा कि माहौल अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि ट्राइबल पॉलिटिक्स में क्या होता है, हम लोग बहुत सीरियस हो जाता है, क्लैन पॉलिटिक्स हो जाता है, क्लैनिज्म जो, और खास करके अपना निशी बेल्ट में तो क्या बोले है इतना तगड़ा से मतलब पॉलिटिक्स होता है। इसके बाद फिर ऊपर से पैसा का इन्वॉल्वमेंट, रिश्तेदार लोग प्रॉपर्टी पूरा बेच देते हैं, बेचारा क्या नहीं करता है, इतना सीरियसली हम लोग पॉलिटिक्स को देखते हैं। तो मैं सोचा कि नहीं, अरुणाचल को डेवलपमेंट करने का अगर फॉर्मूला को अपनाने से सबसे पहले पॉलिटिकली कंड्यूसिव हमको बनाना है। इसलिए इस बार 10 को 3 अनकॉन्टेस्ट हम लोग ने निकाल दिया। और जहां जहां कॉन्टेस्ट हो भी रहा है ज्यादातर आपके अपना निजी समाज में, जैसे कि अभी टेन सेपा में सिटिंग MLA तापू तापू साहब, वो भी हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है। टेक्निकली वो भी अलग पार्टी में रह जाने के बाद में तो उन्होंने भी महसूस किया कि बीजेपी और पेमा खांडू का लीडरशिप में इससे बहुत अच्छा से आगे चल रहा है। तो इस बार के इलेक्शन में वो भी बैठ गया, सिटिंग MLA है NPP पार्टी का, वो भी बैठ गया और बीजेपी में ज्वाइन हो गया। अपना कमले डिस्ट्रिक्ट का तरीन दप्पे साहब, सिटिंग MLA है, वो भी NPP पार्टी का, उन्होंने भी देखा कि बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उन्होंने भी इस बार कॉन्टेस्ट नहीं करने का निर्णय लिया और बीजेपी पार्टी का साथ दे दिया। इसके बाद डीसी एरिया में अपना ये सियांग ताजो एरिया भी बहुत ही टफ एरिया है वहां पे, तो वहां में भी अपना जो कार्यकर्ता है हवा बगान, उन्होंने भी टिकट मांगा था, वहां में भी टफ कंपटीशन था, तभी भी पार्टी ने टिकट जो है सिटिंग MLA अपना हया मंकी साहब को दे दिया और पार्टी ने समझाया आप युवा है, पार्टी में बैठ के काम करो, तो बैठा है पार्टी में बैठ के काम कर रहा है, तो वहां का माहौल काफी कंड्यूसिव है। इसके बाद फिर वहां से आगे हो गया तली कॉन्स्टिट्यूंसी तो पूरा अनकॉन्टेस्ट हो गया, जीके तापू साहब यहाँ बैठा हुआ है, मार्कियो दादोजी भी बैठकर बीजेपी में अभी वो आ गया है। इसके बाद फिर 21 कोदरिया सिटिंग MLA अपना लोकम तसर साहब, पार्टी ने बोला इस बार आप बैठिए, इस बार दूसरा पानी तरफ को एक बार मौका देते हैं, तो लोकम तसर भी अभी पूरा बैठा हुआ है। और इसका अभी अपना PPA का प्रेसिडेंट कफा बेंगिया साहब को मैंने आज सुबह भी बात किया फोन में, मैंने कहा कि वहाँ कोलोरिया कॉन्स्टिट्यूंसी वन ऑफ द बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे 21 कोलोरिया डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा है कुरुमपुर में,
और ये कुरुकुल है, कुरुकुल में ही आएगा, तो कुरुकुल में जिससे काफी बड़ा है वहां पे, उसमें कोलोरियन कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत ही बड़ा है, वहां पे हेडक्वार्टर अभी तक भी डेवलप कर नहीं पा रहा है। तो समझाया तो अभी समझ गया, तो होपफुली वहां भी अनकॉन्शियस जैसा ही माहौल है वहां पे। तो ऐसे करके बहुत जगह में हमने इंटरव्यू किया है, अलग ट्राइब्स का कॉन्स्टिट्यूंसी में इंटरव्यू किया है, तो जहां जहां कॉन्टेस्ट हो रहा है वो तो नेम से के लिए ही हो रहा है। तो पॉलिटिकली अच्छा एक कॉन्ड्यूसिव हो, क्योंकि ये जो माहौल जो अभी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो चल रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और अपना स्टेट में पीएम साहब, वाकई ही अरुणाचल को एकदम तेजी से डेवलपमेंट लेके जाना वो चाहते हैं। इस बार 9 तारीख में पीएम साहब यहाँ पे आया ईटानगर में, 9 मार्च को, आप सब लोग भी देखा नॉर्थ ईस्ट का पूरा प्रोजेक्ट 55,000 करोड़ उन्होंने उद्घाटन और फाउंडेशन नहीं किया, अरुणाचल का उसमें से 41,000 करोड़ तो अरुणाचल का ही था, देखिए नहीं, और आने वाला दिनों में ये 41,000 करोड़ तो कुछ भी नहीं है भाई, दिल्ली से लाखों लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट अरुणाचल प्रदेश में होने वाला है, इसका सारा पॉलिसी ऑलरेडी बन के तैयार है। तो इसलिए हम लोगों को डेवलपमेंट करना है तो एकजुट होना पड़ेगा, ऐसे मौका बार बार नहीं आएगा अरुणाचल के लिए। पहले भी देखो देश में कई सारा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, राज्य में भी कई सारा पॉलिटिकल पार्टी भी था और कई सारा मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मगर इस तरह से रैपिड डेवलपमेंट लास्ट 10 सालों में हम लोग ने कभी देखा क्या? नहीं देखा। मैं आज मुख्यमंत्री हूं बोल के मैं इसलिए नहीं बोल, प्रैक्टिकली आप लोग ने देखा ना तो है कि नहीं? अभी उस वक्त देखिए, अभी आपका वहां से पालिन से हो, आपका करादादी डिस्ट्रिक्ट से, करादादी डिस्ट्रिक्ट से हो या कुरुकुमे डिस्ट्रिक्ट से हो, वहां से ईटानगर आने के लिए कितना समय लगता था, बहुत समय लगता था, आज देखिए कितना नजदीक हो गया है। इन्वेस्टमेंट हर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, युवाओं के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो रहा है, किसानों के लिए बहुत अच्छा एवेन्यूज हम लोग दे रहा है, अपना यूथ लोगों के लिए काफी अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग क्रिएट करके दे रहा है, अच्छा बहुत इतना अच्छा हिंदी गाना गाते हैं। आज देखिए हमारा बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाके वहां पे हिंदी गाना वो लोग गा रहे हैं, बॉलीवुड मूवीज में उनका गाना आते हैं, अभी यहाँ का युवाओं लोग बॉलीवुड में जाके एक्टर एक्ट्रेस बन के बड़ा पर्दा में उन लोगों को देखने को मिलता है। सो वो लोग गवर्नमेंट ने बहुत सारा प्लेटफॉर्म बना के दिया है युवाओं को, उस प्लेटफॉर्म में जाके अपना टैलेंट को दिखा के तब जाके उनको नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल का अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है। तो बहुत सारा पॉलिसीज हम लोग बनाया हुआ है, आज मैं जरा डिटेली है ऑलरेडी मैं जा चुका हूँ, बहुत बार आया हूँ, चंबंग में आया हूँ, कांगते में आया हूँ, कांगते में जो आगे जो बालू है वहां भी मैं गया हूँ, केवल सिर्फ नहीं आया तो तरफ मांगने में नहीं आया, तरफ मांगने में भी हम जाएंगे, ये भी हमारा वादा है, हम तरफ मांगने भी हम जाएंगे। और इस बार देखिए अभी मैंने खास करके तकुम पारियो साहब को मैंने कहा था, जो दिल्ली में जो मुलाकात हुआ था, इनसे जो मीटिंग हुआ था, उससे पहले राजा साहब ने जो जिक्र किया 2022 के दिसंबर में, शायद जब मैं आपके डिस्ट्रिक्ट को पूरा टूर कर रहा था, तो पालिन में बड़ा एक प्रोग्राम हुआ वहाँ पे, बहुत सारा उद्घाटन फाउंडेशन स्टोन भी हम लोग ने ले किया पब्लिक फंक्शन, तो उस फंक्शन में हमने पालियो साहब को भी इन्वाइट किया था, तो पालियो साहब भी उस फंक्शन में आया, तो वहां में हमने पब्लिकली रिक्वेस्ट किया था पालियो साहब को, क्योंकि पालियो साहब बिजनेस में भी बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन भी है। तो मैं कहा कि अभी राजा साहब उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके काफी मेहनत कर रहा है, तो इस बार हम लोग राजा साहब को भी मौका देते हैं, क्योंकि 2009 में राजा साहब को हरा के पारियो साहब फर्स्ट टाइम पॉलिटिक्स में एंट्री हुआ, इसके बाद 2014 में क्योंकि जब किसी का समय जब अच्छा चल रहा है तो उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए राजा साहब ने कॉन्टेस्ट नहीं करके पालियो साहब को 2014 में अनकॉन्टेस्ट करके भेजा वहां से। तो 2019 में चलो पालियो साहब हार गया और राजा साहब आया बीजेपी का टिकट लेके, इसके बाद 5 सालों में काफी सारा काम हुआ उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 5 साल इनको मौका देना है बोल के हमने पब्लिकली इनको रिक्वेस्ट किया था, और मैंने कहा कि अपना ही दोस्त है, आप आइए हमारे पास, हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दिल्ली में आए, हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। तो आज के दिन में देखिए कि डेवलपमेंट हमारा टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए, एमएलए बनना, मिनिस्टर बनना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है अरुणाचल के लिए, लार्जर पिक्चर हम लोगों को देखना है। अभी देखिए
ट्रांसपेरेंसी में बीजेपी आने के बाद काफी ट्रांसपेरेंसी में लेके आ रहा हूँ। करप्शन को चेक करने के लिए बहुत सारे हम स्टेप्स हम ले रहे हैं, युवाओं को प्रमोशन के लिए बहुत सारा काम हम लोग कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग को अरुणाचल को सब लोग मिल के आगे बढ़ाना है। तो इसलिए मैं बालू सबको कहा कि आप अभी इस बार कॉन्टेस्ट मत कीजिए, बालू राजा का पूरा आप सपोर्ट करके उनको हो पाने से अनकॉन्टेस्ट करके वहां से बेसे से ठीक है बोल के हमने अनुरोध किया था। और वहां में सुन के इसका बाद बालू राजा साहब ने ये कहा कि अपना सपोर्टर्स लोगों का साथ में एक बार मैं डिस्कस करता हूँ, फिर आपको हम कवर करेंगे। तो डिस्कशन होने का बाद इसका बाद फिर हम लोग डिस्कस किया तो हम कहा कि आपको आप बैठिए इस बार आराम से बैठिए, काम कीजिए, बिजनेस को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अरुणाचल को डेवलपमेंट के लिए केवल गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि हमारे पास अच्छा बिजनेस का लोग भी चाहिए। बिजनेस के जरिए से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, तो बिजनेस कम्युनिटी को भी पुश करना ये भी गवर्नमेंट का ड्यूटी होता है। तो इसको देखते हुए पालियो साहब ने फाइनली डिसाइड कर दिया कि अभी छोड़ेंगे, उसके बाद पार्टी में भी ज्वाइन करके राजा साहब को पूरा समर्थन करेंगे, ये उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है। और आज आप सभी लोगों का साथ में वहाँ पे अभी करालादी डिस्ट्रिक्ट को एक कांग्रेस मुक्त डिस्ट्रिक्ट बनाते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके आपका ब्लॉक लेवल का पूरा एन ब्लॉक मर्जर आज हो गया है, उसको विजेस करने के लिए अपना स्टेट का प्रेसिडेंट अभी इंचार्ज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तारक जी भी यहाँ पे मौजूद है, हमारा कैंपेन चेयरमैन श्री बामा फिलिप्स जी भी यहाँ पे मौजूद है। तो आने वाला दिनों में देखिए बीजेपी में बैठकर अपना 18 पालिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम लोग अच्छे प्रकार से और भी आगे लेके जाना होगा। इस साल देखिए इस 5 वर्षों में कोविड ने तो 2 साल खा दिया है कि नहीं, 2 साल कोविड ने खाने का बावजूद भी 3 साल में हम लोग बहुत बड़ा बड़ा काम हम लोग ने कर पाया है। और अभी आने वाला दिनों में जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी साहब का बहुत बड़ा विजन है, हमारा भी काफी बड़ा विजन है, दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर अरुणाचल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और राजा साहब भी उतना ही अच्छा आदमी है जितना अपना तकम पालियो है, दोनों बहुत ही कम बोलते हैं, मैं भी एक्चुअली बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन अभी लेक्चर मारते होता है कोई भी लंबा हो जाता है क्योंकि स्टेट का चीफ मिनिस्टर है, अभी उपाय नहीं है, बोलना पड़ता है। एक बार तो मैंने हमको याद है यहाँ असेंबली में कहा था जो पारियो साहब लीडर ऑफ अपोजिशन था और मैं चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस, मैं कहा था कि हम दोनों का तो सेम ही है, ये भी बहुत कम बोलने वाला, मैं भी बहुत कम बोलने हुआ था। तो देखिए पारियो साहब जितना अच्छा आदमी है उतना अच्छा आदमी बालू राजा साहब भी है, आप सब लोग जानते हैं। तो दोनों सीनियर लीडर मिल जाने के बाद में जगह का डेवलपमेंट अच्छा होना है, उसको एंश्योर करने के लिए एज चीफ मिनिस्टर मैं स्टेट में रहूंगा। प्लानिंग को आगे हम लोग चेंज कर रहा है, अभी बॉटम टू टॉप अप्रोच हम लोग प्लानिंग मॉडल भी रख रहा है। आपका डिस्ट्रिक्ट है तो बहुत पहले ही क्रिएट हो गया था, आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले, मगर डिस्ट्रिक्ट के नाम में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बन नहीं पाया है। तो लास्ट टाइम मैं आने के बाद वहाँ फाउंडेशन भी पूरा ले किया, अभी वहाँ में तेजी गति से डिस्ट्रिक्ट वहाँ का सेक्रेटरीट बनना है, वहाँ पे डीसी बंगला एसपी के लिए हो गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिस रेजिडेंस, बहुत सारा काम आप लोगों का वहाँ करके हमको देना है। तो इस 5 साल में हम लोग डेवलपमेंट के अलावा और कुछ भी हम लोग नहीं देखना है, एकजुट होके हम लोग आगे बढ़ाना है। और साथ ही साथ आप सभी को हम अनुरोध करेंगे कि अपना किरण रिजिजू जी का दिल्ली में बैठना हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टाइम अरुणाचल का पॉलिटिकल हिस्ट्री है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको मोदी साहब ने दिया हुआ है, और किरण को अच्छा पाके नहीं बल्कि अरुणाचल का लोगों को आदर करते हुए, अरुणाचल का जितने भी जो ट्राइब है उसको रेस्पेक्ट करते हुए वहां को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया हुआ है। तो इससे ये मैसेज है कि पीएम साहब वाकई में अरुणाचल प्रदेश का जनता, अरुणाचल प्रदेश का अपना सुंदर प्रदेश को डेवलपमेंट करने का उनका पूरा मन में इरादा बना के रखा हुआ है। तो इसलिए इस बार हम लोग गलती नहीं करते हुए बीजेपी को आपका 18 पालिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी है, किरण जी को तो मिनिमम 70% वोट दे दीजिए, 70% मिनिमम। मैं 70% इसलिए बोलता हूँ, मैं बाकी जगह में तो 90% बोलता हूँ, 20% इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पता चला कि तकम संजय शायद कांग्रेस का वहां का कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया उनके, तो तकम संजय साहब नाराज नहीं होगा, इसलिए 70% आप लोग मार दीजिए, वो 30% से खुश हो जाएगा वो।
तो उनको वहां दिल्ली में भेजना ये बहुत जरूरी है हम लोगों को। पॉलिटिकली देखो केवल अरुणाचल में दो ही एमपी है लोकसभा में आउट ऑफ 543 लोकसभा। तो इस बार तो पूरा देश का जनता ने मन बना लिया पीएम साहब मोदी को दोबारा बनना है और इस बार 400 पार एमपी भेजना है। तो उसमें दो एमपी का एक्चुअली काउंटिंग में कुछ नहीं है, मगर नहीं भेज पाने से अरुणाचल के लिए बड़ा नुकसान है। नहीं भेज पाने से जैसे असेंबली में भी अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए अगर हम लोग चुन के भेज नहीं पा रहे तो कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट का असर होता है। उसी प्रकार एमपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दो धनराशि आना है, यहाँ से हम लोग एमपी बना के भेजिएगा तो जाके आएगा वहां से, नहीं तो वहां भी बंद होकर बैठ जाएगा फिर। इसलिए फॉर द लार्जर इंटरेस्ट अपना अरुणाचल का डेवलपमेंट का हित में किरण जी को आप लोग पूरा बटन दबा के उसको यहाँ से जिता के भेजना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज का इस सभा में मैं ज्यादातर पूरा यंग क्राउड को देख रहा हूँ, मैं पहले भी कहा था। तो देखिए फ्यूचर अपना युवाओं का है, तो इसलिए हम लोगों को युवाओं को काफी फोकस होकर हम लोगों को काम करना है। कुछ कुछ मतभेद हो सकता है, मतभेद मतलब थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, वो तो घर में भी होता है, हस्बैंड एंड वाइफ का बीच में भी होता है, भाई बहन का बीच में भी होता है, मगर उस मतभेद को लेके फिर मनभेद नहीं होना है, मनभेद होने नहीं देना है। मतभेद होना ठीक है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन मनभेद होना नहीं देना है उसको। तो इसलिए जो भी कुछ इश्यूज हुआ है उसको आप लोग भूल के अभी आज से एक नया जर्नी हम लोग ऐसे टीम बीजेपी करादारी डिस्ट्रिक्ट का 18 पॉलिंग कॉन्स्टिट्यूंसी का एक नया शुरुआत आज हम लोग करने जा रहा है अपना साथ बालू राजा के साथ में, तपन पालियो जी का साथ में, अपना फॉर्मर जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट देवंग जगत जी का पूरा टीम उनके साथ एक नया शुरुआत हम लोग बीजेपी में आके, पुराना नया कुछ भी नहीं, सब लोग बीजेपी का कार्यकर्ता बीजेपी का सदस्य के रूप में हम लोग मिलकर काम करेंगे और 18 पालिन और करादारी डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट के रास्ते में और भी ऊंचाई तक लेके जाएंगे हम लोग। ये हम सब एक टीम वर्क करके हम लोगों को दिखाना होगा। और जैसे अभी अपना देवंग जगत जी ने जो कहा, देखने में तो काफी छोटा है लेकिन उसका एक्सपीरियंस तजुर्बा तो बहुत ही सीनियर लीडर है, कोई देख के तो नहीं बोलेगा कि ये उसका इतना सीनियर लीडर है। मगर मैं जगत जी को कहना चाहेगा कि बीजेपी में आने का बाद आप और भी जवान होगा। हमारा एमएलए साहब को देखिए कितना जवान हो गया, पहले इनका बाल नहीं था, बीजेपी में आने के बाद देखो बाल भी उठ गया है। तो बीजेपी में आने के बाद और भी जवान होगा। तो जगत साहब आप निराश नहीं होना, काफी एकदम आप खुश होना, ठीक है। और आपका अभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, आपने कांग्रेस में इतना लंबे समय तक बैठा, जिन जिन लोगों को आपने कांग्रेस में ज्वाइन किया वो पूरा 18 पालिन से हारते गया। तो फर्स्ट टाइम आप बीजेपी में आया, तो आप आने का बाद देखना इस बार बहुत ही अच्छा मार्जिन से आपके एमएलए वहां से जीत के आएंगे। तो बाकी तो ठीक है, मैं इतना कह के क्योंकि अभी डिनर का टाइम भी है और कल सवेरे हमको फिर टूरिंग में जाना है, तो एक ही हफ्ता है हम लोगों को। तो एस एन टीम बीजेपी, एस एन टीम 18 पालिंग कॉन्स्टिट्यूंसी, एस एन टीम अपना कली का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, टीम करादारी का हिसाब से इस 7 दिन में अभी एमपी के लिए हम लोगों को अच्छा से लगना होगा। 18 पालिंग में तो एक कॉन्टेस्ट तो कर रहा है, उसमें अच्छा से हम लोगों को संघर्ष करके राजन साहब को अच्छा से जिता के वहां से भेजना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक बार फिर कथम पालियो जी जो हमारे दोस्त आज